नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिएटिव माइंड। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बाउंस इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। दोस्तों कैसा दिखता है ये स्कूटर और क्या है इसकी सबसे बड़ी खासियत, आज इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आपको जैसा कि पता होगा कि बाउंस इन्फिनिटी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने वाला है, तो दोस्तों पहले बताते हैं कि बाउंस है क्या। दोस्तों अगर आमतौर पे अगर आप इंटरनेट पे चेक करोगे कि बाउंस क्या चीज़ है, तो बाउंस करके एक कंपनी है जो कि जैसे जिस तरीके से ओला जो कंपनी है वो जो कैब्स प्रोवाइड कराती है, इस तरीके से बाउंस कंपनी जो है वो टू व्हीलर्स को रेंट पे प्रोवाइड कराती है। अगर हमें कहीं पे जाना है, जैसे हम बाहर किसी कहीं पे घूमने चले गए, तो वहाँ पे अगर हमें टू व्हीलर रेंट के लिए चाहिए तो बाउंस कंपनी वो प्रोवाइड कराती थी। अब इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने ईवी मार्केट में कदम रखा है अपने बाउंस इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ। दोस्तों जिस प्रकार से ओला का अपना स्कूटर खुद का डिज़ाइन ना होके एटर्गो कंपनी को उन्होंने टेक ओवर करके और उसके मॉडल को उतारा है, इसी तरीके से बाउंस इन्फिनिटी ने क्या किया है कि 22 मोटर का जो फ्लो इलेक्ट्रिक स्कूटर था उसको 22 मोटर्स को इन्होंने टेक ओवर किए और फिर थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ मार्केट में उतारा है। तो दोस्तों कैसा है ये स्कूटर, इसके बारे में चलो बात करते हैं। ये स्कूटर जो है दो वेरिएंट में मिलेगा आपको, एक तो मिलेगा उसमें फिक्स बैटरी और एक मिलेगा वो बिना बैटरी के। तो दोस्तों बाउंस कंपनी एक नया कॉन्सेप्ट लेके आई है, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार आप बिना बैटरी का भी स्कूटर खरीद सकते हो। बिना बैटरी का आप स्कूटर खरीद सकते हो, जिसकी कीमत लगभग कंपनी चाहती है कि 50,000 के आसपास रखी जाए ताकि आम आदमी भी उसको ले सके। उसके बाद अगर आप फिक्स बैटरी का स्कूटर चाहोगे तो फिक्स बैटरी वाला भी स्कूटर मिल जाएगा, उसकी लगभग कीमत 70,000 के आसपास होने वाली है। और एक बार फुल चार्ज करने पर ये जो स्कूटर है 80 से 85 किलोमीटर की रेंज आपको निकाल के दे देगा। मैंने इस स्कूटर के ऊपर $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है और कंपनी ने जो इसकी जो पेरेंट कंपनी थी 22 मोटर्स, उसके जो 100% शेयर लिए वो भी $7 मिलियन में उस कंपनी को टेक ओवर किया है। अब उस कंपनी को टेक ओवर करने के बाद इनको एक बनी हुई एक पूरी फैक्ट्री मिल गई है, जिसकी खुद की कैपेसिटी 1,80,000 स्कूटर पर ईयर बनाने की उसकी कैपेसिटी है। कि मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि अगर हम बिना बैटरी का ही स्कूटर ले लेंगे जो कि 50,000 के लगभग का होने वाला है, तो उसमें बैटरी कहाँ से लेके आएंगे। दोस्तों इसी चीज़ के लिए यही इन्होंने इस कंपनी ने जो बाउंस ने एक नई चीज़ इन्वेंट की है। इन्होंने क्या किया है कि आप ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि किसी भी स्कूटर के अंदर जो सबसे ज़्यादा कीमत होती है वो उसकी बैटरी पैक ही होती है, जो सिंगल कंपोनेंट जिसकी सबसे ज़्यादा कीमत होती है वो बैटरी पैक। तो कंपनी ने क्या किया है, इसको कंपनी ने इसको बिना बैटरी के भी लॉन्च किया है और इन्होंने एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात कही है कि ये क्या करेंगे कि आप जिस तरीके से अब ये बाउंस कंपनी पहले अपने स्कूटर को रेंट पे दिया करती थी, इसी तरह से ये अब अपनी बैटरी जो कि फुल चार्ज होगी उस बैटरी को रेंट पे दिया करेगी। तो ये हुआ ऐसा कि जिस तरह से आप एक स्टेशन से अपनी बैटरी को लगवाया और कहीं दूर गए और वहाँ पे जैसे आप पेट्रोल भरते हैं, सिर्फ एक मिनट में ही आपकी तुरंत बैटरी की सीट को खोला और तुरंत उसकी बैटरी चेंज कर देंगे, तो आपकी एक मिनट में ही बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी और आप निकल सकते हो आगे। इसी वजह से बाउंस कंपनी ने इसका नाम इन्फिनिटी रखा है, क्योंकि इसकी कोई रेंज नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप कहीं पर गए और आप अपनी बैटरी को स्वाइप अप कर लो और फिर आप और आगे जा सकते हो, आगे और जाओ, फिर आगे कहीं जाके फिर दोबारा अपनी बैटरी को स्वाइप अप कर दो, फिर आगे चले जाओ। इसी तरीके से कंपनी का दावा है कि वो 3500 लोकेशंस पर अपनी जो ये बैटरी स्वैपिंग का जो सिस्टम है ये इस तरीके से चालू करेगी। तो काफ़ी हद तक ऐसी उम्मीद है कि ये जो स्कूटर है ये अभी 2021 के दिसंबर महीने में ही लॉन्च हो जाएगा। देखने वाली बात ये रहेगी कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो बैटरी स्वैपिंग का सिस्टम है, ये कितना कामयाब होता है। क्योंकि साथियों देखिए, बैटरी जो है वो अपने आप में काफ़ी महंगा कंपोनेंट होती है और अगर कंपनी इतना भारी इन्वेस्टमेंट करेगी कि वो बहुत सारे बैटरी पैक को अपने ही लोकेशन पे, मतलब अपनी एक खास लोकेशन पे रखेगी फुल चार्ज करके, तो कंपनी को काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जबकि जो ग्राहक होगा, जो कस्टमर होगा, वो सिर्फ उसके जो चार्जिंग है उसी के ही पैसे देगा। जो कस्टमर है उसकी तरफ से
कस्टमर को कोई टेंशन नहीं रहेगी कि उसकी वारंटी या बैटरी कम चल रही है या ज़्यादा चल रही है। अगर वो जैसे ही बैटरी कम चलनी शुरू हो गई तो वो उसको निकाल के वापस दूसरी चेंज करके ले आएगा। दोस्तों रिवोल्ट ने भी ऐसा बैटरी स्वैपिंग सिस्टम चालू किया था, लेकिन अधिकतर लोग प्रेफर करते हैं कि घर पे ही उसको चार्ज करना। बाकी देखते हैं दिसंबर में लॉन्च होगी और देखते हैं कब ये आती है मार्केट में। तो दोस्तों इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। वो करना सिर्फ इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। दोस्तों इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।